Ladies and gentlemen. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिराज है और आप लोग देख रहे हो शिराजी कार्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सुजुकी बलान के बारे में। मैं इस गाड़ी के बारे में आप लोगों को काफी अरसे से बता रहा था, बल्कि पिछले साल से बता रहा था कि इस गाड़ी के अंदर एसी आने वाला है। तो फाइनली पाकिस्तान में सुजुकी बलान एसी वाला लॉन्च हो चुका है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली मैं आपको गाड़ी सारी दिखाऊंगा कि एसी की नोब्स कहाँ पे दी गई हैं, कैसी नोब्स हैं, और गाड़ी का एसी कहाँ पे फिट किया गया है, और उसका कंडेंसर वगैरह कहाँ पे है। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिराज है और आप लोग देख रहे हो सुजुकी बलान का वीडियो, जो कि अभी सुजुकी बलान जो है वो एसी के साथ आ रही है। मैं आप लोगों को एक दफ़ा एसी अंदर से दिखा देता हूँ। ये देखें, एसी लगा हो इसके अंदर। तो ये जो गाड़ी है ये अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में इसके जो डिलीवरी वगैरह शोरूम पे आई है। अभी इस गाड़ी को ऑफिशियली तौर पे पाकिस्तान में लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि नेक्स्ट वीक से इस गाड़ी की बुकिंग शुरू हो जाएगी और कंपनी ऑफिशियली तौर पे इस गाड़ी को पाकिस्तान में लॉन्च कर देगी। तो इस गाड़ी के अंदर एसी दिखाने से पहले मैं आप लोगों को गाड़ी की वगैरह दिखा देता हूँ, गाड़ी का जो ओवरव्यू है वो दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये है जी हमारे पास सुजुकी बलान एसी वाले की, जिसमें आप लोगों को दो बटन मिल रहे हैं। ये जो है ये लॉक का है, आप लोग साइन पढ़ सकते हो, और ये अनलॉक का है। और ये बेसिकली रिमोट है, की नहीं है, की ये है इस गाड़ी की दो, जिससे आप लोग गाड़ी को ओपन कर सकते हो। गाड़ी बेसिकली एक साइड से ही ओपन होती है। ये जो ड्राइवर वाला साइड है, यहाँ पे आप लोगों को ये की का होल मिल रहा है, तो यहाँ से आप लोग गाड़ी को अनलॉक कर सकते हो। गाड़ी को स्टार्ट वगैरह भी इससे करना है। ये जो रिमोट है ये बस गाड़ी को अनलॉक और लॉक करने के लिए। ये देखें, ये गाड़ी लॉक हो गई और ये अनलॉक हो गई। तो चलिए अब बात करते हैं गाड़ी के ओवरव्यू के बारे में। तो ये आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं सुजुकी बलान। ये जो अभी सुजुकी बलान खड़ा है, ये मेरे ही सिटी जो कि डस्का है, वहाँ पे है अप्लाइड फॉर सुजुकी डस्का मोटर्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो शोरूम है, इसकी लोकेशन और उसके नंबर वगैरह। तो ये आप लोग गाड़ी देखें, यहाँ पे अभी इस गाड़ी के ऊपर जो स्टिकर वगैरह वो लगे हुए हैं, मतलब इसे छुपाया गया। ये क्रोम का आप लोगों को पता है कि बैजिंग होती है, जिसमें ऐसे लिखा होता है सुजुकी कंपनी का, मैं उतारूंगा नहीं। इसके अलावा ये गाड़ी की फ्रंट लाइट है जो कि हैलोजन बल्ब है। तो ये है जी गाड़ी की फ्रंट लुक, काफ़ी सिंपल सी है। आप लोगों को वाइपर वगैरह मिल जाते हैं और इसके अलावा एंटीना भी मिल जाता है। तो अब बात करते हैं गाड़ी की साइड लुक के बारे में। तो इस गाड़ी की साइड पर आप लोगों को एक चीज़ जो है वो डिफरेंट देखने को मिलेगी दूसरे सुजुकी बलान से, वो है इस गाड़ी के एसी का जो कंडेंसर है वो नीचे दिया गया है। ये आप लोग देख सकते हो, ये आप लोगों को ग्रिल नज़र आ रही होगी। यहाँ पे गाड़ी के जो एसी का कंडेंसर है वो है, आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी की छत पे, यहाँ फिर आगे पीछे कहीं भी कंडेंसर नहीं है, बल्कि गाड़ी के जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे आप लोगों को गाड़ी का कंडेंसर दिया गया है। इसके अलावा आप लोग ये देख सकते हो, गाड़ी मैंने ओपन की हुई है, मतलब इसका डोर पीछे वाला ओपन है। तो गाड़ी की जो साइड लुक है वो भी आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल वैसी है जैसी पहले जो सुजुकी बलान आ रहे थे सिंपल वाले, उसी की तरह। बस इस ग्रिल का जो डिफरेंस है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो चलिए गाड़ी की बैक देख लेते हैं। तो ये है जी गाड़ी की बैक लुक, यहाँ पे बलान लिखा हुआ है। इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलेगी कि इस गाड़ी को कोई भी वेरिएंट का नाम नहीं दिया गया, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो है इस टाइम खड़ी है यहाँ पे सुजुकी वैगन आर। इसके हर वेरियंट का एक नाम है, जैसे VX, VXL और AGS वगैरह। तो मेरे ख्याल से मुझे भी लग रहा था कि जब सुजुकी बलान आएगा तो यहाँ पे कोई ना कोई बैजिंग मिल जाएगी कि गाड़ी के अंदर एसी है, या फिर इस गाड़ी को VXL का नाम दिया जाएगा। लेकिन आप लोग देख सकते हैं पीछे कोई भी जो मोनोग्राम है या फिर कोई भी ऐसा स्टिकर नहीं दिया गया जिससे पता चले कि गाड़ी के अंदर एसी है। बस आप लोगों को एक चीज़ बाहर से देख के पता चलेगी, वो है गाड़ी की बाएँ तरफ जो साइड है वहाँ पर आप लोगों को नीचे ग्रिल मिलेगी। तो चलिए आप इस साइड पर बात करें, तो इस साइड पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को ग्रिल तो नहीं मिलती, लेकिन इस गाड़ी का जो टायर होता है वो आप लोग यहाँ पे सेट करते हो, जिसे उतारना पड़ता है बाद में जब आप लोग की जो गाड़ी है उसका टायर वगैरह पेंचर हो जाए। तो ये तो हमने ओवरऑल गाड़ी की सारी बाहर वाले हिस्से के बारे में बात कर ली। तो अब बात करते हैं गाड़ी के अंदर जाके। तो चलिए अब गाड़ी के अंदर जाते हैं। तो ये मैं अभी गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, तो मैं टांगे तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं काफ़ी लंबा हूँ, तो यहाँ पर मेरा फिट आना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये स्पीड इसका मीटर है सिंपल सा, ये जो है ये वाइपर्स के लिए है और ये गाड़ी की लाइट्स के लिए है कंट्रोल करने के लिए। और ये गाड़ी के अंदर छोटी सी टेप मिलती है और ये ग्लव बॉक्स है। तो ये आप लोग गाड़ी के डैशबोर्ड तो आपने देख लिया है, ऊपर देखें तो ऊपर आप लोगों को एक लाइट मिलती है, और ये गाड़ी के अंदर सन वाइजर हैं जो कि शीशे के बगैर ही हैं। तो आप बात करते हैं गाड़ी के एसी के स्विचेस के बारे में। तो ये गाड़ी के अंदर एसी के स्विच दिए गए हैं। तो ये आप लोग कंपनी देख सकते हैं, सैंडन कंपनी का एसी लगाया गया है। और ये आप लोगों को जो लाइट ब्लिंक नज़र आ रही है शो होती हुई, ये गाड़ी के अंदर इमोबिलाइजर होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कुछ साल पहले पाकिस्तान में कानून आया था कि हर गाड़ी के अंदर इमोबिलाइजर होना चाहिए। तो तब से इस गाड़ी के अंदर भी आ रहा है।
लेकिन अभी आप लोगों को पता है कि नया कानून आ गया 2022 जून के बाद हर गाड़ी के अंदर एयरबैग होना जरूरी है, तो इस वजह से ये गाड़ी पक्ष बंद हो रही है क्योंकि यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे एयरबैग फिट किए जा सके। तो यहाँ पे हम इन स्विचेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये गाड़ी का एसी है, ये गाड़ी का एसी ऑन करने के लिए है, ये ऑन हो गया। तो ये इस साइड पर जो स्विच है ये है गाड़ी का जो फैन होता है, मतलब ये जो इनके अंदर जो फैन दिया गया है उनको उनका जो फ्लो है उन्हें काम ज़्यादा करने के लिए, मतलब स्पीड अप सेट कर सकते हैं 1, 2, 3 पे ये सबसे तेज़ होगा और 1, 2 पे थोड़ा कम होगा। तो ये तो हमने स्विचेस के बारे में बात कर ली, तो अब एसी के वेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो उस साइड पे भी एसी का वेंट दिया गया है और यहाँ पे भी दिया गया है। तो ये दो गाड़ी के जो फ्रंट जो ड्राइवर और पैसेंजर है उन दोनों के लिए एसी हैं जो कि टॉप पे हैं, और गाड़ी की जो फिटिंग है ये भी काफ़ी अच्छी दी गई है मेरे ख्याल से। तो बाकी हर बंदे की अपनी पसंद होती है। तो ये जो है मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी जगह पे गाड़ी को एसी को फिट किया गया है। तो अभी इसे बंद करते हैं, पीछे जाकर गाड़ी के एसी के वेंट्स को देखते हैं और फिर मैं आप लोगों को गाड़ी का जो एसी है ऑन करके इसका फ्लो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कितना ज़्यादा है। तो ये मैं अभी गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में आ गया हूँ। तो यहाँ पर लोग देखेंगे तो ये गाड़ी के पीछे वाले एसी वेंट्स हैं, और यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर आप लोगों को कोई भी बटन वगैरह नहीं मिल रहा जिससे आप लोग गाड़ी का जो एसी है उसे कंट्रोल कर सको। मतलब अगर आपने एसी बंद करना हो तो आप पीछे वाले जो एसी वेंट्स है उन्हें बंद नहीं कर सकते, फ्रंट से जो है एसी फुली तौर पे बंद होगा तो फिर आप लोग एसी आपका जो है वो बंद होगा। मेरे ख्याल से कंपनी को चाहिए था यहाँ पे जो वेंट्स हैं उनको बंद करने का ऑप्शन मिलना चाहिए था। तो लेकिन ये आप लोग देखें यहाँ से फिलहाल बस डायरेक्शन ही आप लोग चेंज कर सकते हैं एसी के वेंट्स की। तो ये था गाड़ी का एसी, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब गाड़ी का एसी ऑन करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि एसी का फ्लो कैसा है। तो ये मैंने गाड़ी का एसी ऑन किया है, तो अभी आपको फ्लो चेक करवाने के लिए ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो ये आप मेरे बालों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी हवा आ रही है। ये एसी की फुल स्पीड है फिलहाल, इसके मतलब पंखे की फुल स्पीड है, और एसी की जो हवा है वो भी काफ़ी ज़्यादा ठंडी, हालांकि अभी सर्दियों का मौसम है तो इसे हम जल्दी से बंद कर देते हैं क्योंकि जो गाड़ी है वो अंदर खड़ी है तो अंदर स्मेल वगैरह हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया कि एसी की हवा कैसी है। मैंने तो आप लोगों को बता दिया एसी का जो थ्रो है वो पीछे वाले बंदों के लिए कैसी है, या आप मुझे जो बाल हैं उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी इन पर हवा जो है वो आ रही है। तो ये इसकी गाड़ी के एसी की मैक्सिमम हवा की स्पीड है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो पूरा देख लिया होगा। तो अब बात करते हैं सुजुकी ब्लान एसी वाले की कीमत के बारे में। तो इस गाड़ी की जो कीमत रखी गई है वो है 12,65,000। जी हाँ, आप लोगों ने ठीक सुना है, फिलहाल इस गाड़ी की बुकिंग शुरू नहीं हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि नेक्स्ट जो वीकेंड आ रहा है उसके बाद आप लोग इस गाड़ी को बुक करवा सकते हो। मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा एडिशन है। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में सुजुकी ब्लान इस साल जून के बाद आना बंद हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान में सुजुकी एवरी आ रही है। तो ये आप लोग कह सकते हैं कि सुजुकी ब्लान के लिए एक फेयरवेल था कि जाते जाते गाड़ी के अंदर एसी लगा दिया गया ताकि आवाम को गाड़ी ज़्यादा पसंद आए, या फिर जो इस गाड़ी के लवर थे वो इस गाड़ी को ले सकें और इसको एंजॉय कर सके गर्मियों में भी। तो ये था आज का वीडियो, मुझे नीचे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोगों को सुजुकी ब्लान एसी वाला कैसा लगा है, और आप लोगों के ख्याल में जो एसी है वो सही फिट किया गया है या फिर इससे भी बेहतर किया जा सकता था, और इस गाड़ी के अंदर आप लोग क्या और चीज़ें देखना चाहते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगा। तो ये था आज का वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।